नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। भोपाल में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पैसे डालने आई वैन से दिन दहाड़े 43 लाख चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने वैन के ड्राइवर को नोट गिरने का झांसा दिया और जैसे ही ड्राइवर वैन से नीचे उतरा, चोर पैसे की पेटी लेकर गायब हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात चोरों को तलाशते हुए मामले की जाँच करने में जुट गई है। एमपी नगर जोन 2 में उस वक्त तफरा तफरी मच गई जब बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पैसे डालने आई वैन से अज्ञात चोरों ने 43 लाख की पेटी चोरी कर ली। अज्ञात चोरों ने वैन में बैठे ड्राइवर को नोट गिरने का झांसा दिया और जैसे ही ड्राइवर वैन से नीचे उतरा, चोर पैसे से भरी पेटी लेकर गायब हो गया। एटीएम में पैसे डालने के लिए गार्ड बबलेश सिंह चौहान, विपिन दास और एक अन्य कर्मचारी अंदर गए हुए थे, जबकि रोहित परमार नाम का ड्राइवर वैन के अंदर बैठा हुआ था। रोहित परमार ने बताया कि साउथ इंडियन व्यक्ति ने उससे कहा कि आपका 500 रुपए का नोट नीचे गिर गया है, जिसके बाद वो नोट उठाकर वापस मुड़ा तो नोटों से भरी पेटी गायब थी। पुलिस को एटीएम के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी पेटी ले जाते हुए दिख रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस चोरों को तलाशते हुए मामले की जाँच कर रही है। जब एक इतने में एक व्यक्ति निकलता है, वो गेट खटा खटका कहता है कि जी आपके कुछ मतलब ऐसा, उसने कुछ बोला, पैसे का बोला या कुछ भी बोला। हमने पीछे तुरंत गेट देखा तो आप पैसे डले हुए थे, तो हमने गनमैन को सारा दिया। हमने ये कहा भैया ये पैसे डले, सर के पैसे डले। तो उतर के पैसे कितना टाइम लगा था तुम्हें वो पैसे उठाने में? 40-45 सेकंड के बीच का था। गिन रहे थे तुम नोट कितने पैसे? नहीं गिना कोई नहीं, हमने उठा के डायरेक्ट गनमैन को दे दिया, क्योंकि हमें पता है सर लोग के गिरते हैं पैसे, गाड़ी में उतरते हैं मोबाइल भी गिरता है, कुछ भी गिरता रहता है, तो हम लोग उठा के दे देते हैं सर के लिए। अच्छा, तो पता चला कि उन्होंने कैश बॉक्स निकाल लिया गाड़ी में से? जी हमारे सर ने देखा। अच्छा, जब वो लौट के आए, जब वो डाउन शटर उठी तो उन्होंने देखा तो बोलने लगे कैश कोई ले गया। कौन था सर? ऋषभ और जी सर ऋषभ सर विपिन सर। यहाँ पे करीबन 1:15 बजे यहाँ पे जोन 2 एमपी नगर में होटल चंदन है, उसके बगल में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है। तो बैंक ऑफ इंडिया की जो कैश वैन होती है, जो एटीएम को फिल करती है, उसमें एक छोटा कंटेनर था पैसों से भरा। उसको एक चार लोगों का गैंग है, उसमें से एक उसमें जो एक व्यक्ति है उसने जो कैश जो वैन है उसका दरवाजा खोल करके उसको ले गया है। और जब वो हरकत कर रहा था तब उसका जो दूसरा साथी है उसने ड्राइवर को एक कहानी सुना करके कि यहाँ पैसे पड़े हैं आप उसको उठा लीजिए। तो ड्राइवर ने सोचा कि आसपास के कोई व्यक्ति होगा उसके पैसे हो, तो वो उसको उठाने के कोशिश में वो उधर बिजी हो गया। तब तक जो जिसने वो बैग उठाया था चुरा लिया था उसने वो जो वैन का जो दरवाजा है उसको खोल करके वो बैग जो बैग है कंटेनर है उसको वो ले गया। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि वारदात को अंजाम देने में 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं 43 लाख की चोरी का खुलासा करना पुलिस के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।